गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, पानी पीना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दिल का रिश्ता। जी हाँ, दिल का रिश्ता जो बनता है आपके और हमारे बीच में इन वीडियोस के थ्रू। हम यहाँ बात करते हैं फैशन की, मेकअप की, स्किन रूटीन की, स्किन केयर, व्लॉग्स और कुकिंग की भी कभी कभी। नेक्स्ट वीडियोस आ सकती हैं मेरी कुकिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं कुकिंग करती हूँ कम लेकिन करती जरूर हूँ। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहिएगा, सारी वीडियोस देखते रहिएगा। मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं जो है हर रोज ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। तो आज इस वीडियो में क्या है, थंबनेल से जो है आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया है कि क्या है मेरा आज का वीडियो, यानी कि टॉपिक क्या है। तो भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हो चुकी है। जो गर्मी जून जुलाई के महीने में होने वाली थी वो जो है अभी है, इसी वक्त है। प्यास लगती है, बाहर जाते हैं तो हम ऐसी कौन कौन सी ड्रिंक है, यानी कि ऐसा कौन कौन सा ड्रिंक है जो हम समर सीजन में अपने साथ कैरी कर सकते हैं और जो अवेलेबल हो सकते हैं बाहर भी इजीली, ताकि हम वो जो है जब भी हमें प्यास लगे पी सके। तो बिना देर के हुए हम देख लेते हैं सबसे पहला ड्रिंक कौन सा है। सबसे पहला ड्रिंक भाई बहुत सिंपल ड्रिंक है, वो है सिंपल वाटर। सिंपल वाटर चाहे है आप, चाहे समर सीजन चाहे है विंटर सीजन, विंटर सीजन में आप गर्म पानी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और अगर है समर सीजन तो आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ सिंपल वाटर, कोल्ड वाटर, जो कि बहुत ही जरूरी हो जाता है जब आप बाहर जाते हैं। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको कई बार ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे पानी जो है वो अवेलेबल नहीं रहता, और ये एक ऐसा मतलब ड्रिंक है सिंपल वाटर जो आप चाहें तो आपको वैसे बाहर से भी मिल सकता है। तो ये आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं और आपको ये अवेलेबल हो सकता है बाहर से भी बड़े आराम से किसी भी शॉप पे। और अपने साथ कैरी इसलिए करें ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मिल जाएगा और नहीं मिलता है तो आपके पास बॉटल जरूर हो, चाहे गर्म हो जाए पानी लेकिन है तो है, ये जरूर रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा सेकेंड ड्रिंक है जो हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, प्लस हमें ये बाहर भी अवेलेबल हो सकता है। तो सेकेंड जो ड्रिंक है वो है ये भाई लेमन वाटर। अब लेमन जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सर्दियों में पीते हैं भाई, एनर्जी देता है आपको, एंटीऑक्सीडेंट है ये, आपकी थकान दूर करता है, आपको एनर्जी देता है और फ्रेश फील करवाता है, आपको बिल्कुल फ्रेश फील करवाता है। आप पी के देखेगा, जब भी आप पियेंगे आपको हमेशा ऐसे लगेगा वाव, और आपको आपका जो लीवर है उसको भी ये डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये सबसे अच्छा ड्रिंक रहता है इन समर सीजन, और ये जो है अवेलेबल रहता है बाहर भी। बंटे वाला पानी कहते हैं ना, जहाँ मुझे जहाँ तक याद है बंटे वाला पानी सोडा वाटर जिसे कहते हैं, वो इसके साथ मिक्स करके आपको जगह जगह ये मिल जाता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लेमन वाटर अपने साथ कैरी भी कर लीजिएगा। लेमन जो है वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं विद अ लिटल सॉल्ट, बिकॉज आप लेमन जो है अगर आप घर से ही लेके जा रहे हैं, अगर स्क्वीज करके जा रहे हैं उसको, तो आप उसको एक दो घंटे में पी लें। अगर आप एक दो घंटे बाद पीते हैं वो पानी तो वो थोड़ा सा कड़वा हो चुका होता है, इसलिए जब आपको लगे कि 4-5 घंटे बाद आपने ये पानी पीना है तो आप उसको स्क्वीज ना करें उस पानी में, आप उसको जब जहां पे आपने पीना है उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है वो स्क्वीज करें, तो बहुत सही रहेगा और बहुत टेस्टी रहेगा। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें, वाटर ऐड कर शुगर ऐड कर दें, और अगर आप उसमें ग्लूकोज भी ऐड करते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है, और ज़्यादा मतलब कि वो एनर्जेटिक भी हो जाता है। अब तीसरा ड्रिंक क्या है, मैंने बता ही दिया, ग्लूकोज यानी कि ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी जो है वो हर जगह अवेलेबल रहता है, लेकिन वो आपको स्पेशली बाहर खरीदना पड़ेगा। वो आप आपके आपके घर पे है तो आप उसको वाटर में जो है थोड़ा सा मिक्स करके 1/2 या 2 टेबल स्पून ऑफ दैट ग्लूकॉन डी जो है वो आप अपने मतलब मेजर कर लें, उस पे लिखा होता है कि कितना जो है आपको उसमें 1 ग्लास के अकॉर्डिंगली आपको ऐड करना है। मैं 1.5 जो है वो ऐड करती हूँ अगर मैं 1 ग्लास पानी अपने साथ कैरी करती हूँ, या फिर बॉटल के अकॉर्डिंगली, अगर मेरी बॉटल में 1 ग्लास पानी आता तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं ऐड करती हूँ। तो थर्ड जो मैंने आपको बताया वो है ग्लूकॉन डी, वो जो है आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, और वो जो है
आपके अकॉर्डिंगली मिलेगा, यानी कि जितने ग्राम आपको चाहिए उस ग्राम में मिल जाएगा, उतने पैकेट में मिल जाएगा, प्लस अकॉर्डिंगली आपके प्राइस के, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है वो भी आप देख सकते हैं आराम से। मैं वैसे यहाँ पे शेयर कर दूंगी पिक्स प्लस ग्राम्स प्लस प्राइस जो अमेजोन पे अवेलेबल है, प्लस मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आराम से जो है वहां से बाय कर सकते हैं। तो थर्ड भी हो गया ग्लूकोन डी। अब बारी आती है अपने फोर्थ ड्रिंक की। अब भाई फोर्थ ऐसा कौन सा ड्रिंक है जो कि हम पी सकते हैं और जो हमें ठंडक दे, जो कि और ज्यादा एनर्जी दे? भाई वो तो है लस्सी, मीठी हो या फिर नमकीन हो, वो अवेलेबल रहती है मार्केट में भी, आप अपने साथ घर पे भी कैरी कर सकते हैं। मैं जब ऑफिस जाती थी ना, तो ऑफिस में हमारे ऑफिस में कुछ ऐसे लड़के थे जो कि अपने साथ लस्सी कैरी करते थे। जी हाँ, बिल्कुल घर से बनी हुई लस्सी कैरी करते थे, पर उसको फ्रिज में रखना पड़ता था। तो उसे जो है वो फ्रिज में रखना पड़ता था, वो फ्रिज में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि लस्सी जो है वो कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं लस्सी पीना, यानी कि ये अपना फोर्थ ड्रिंक अपने साथ कैरी करना, तो उसमें जो है आप या तो आइस डाल लें ताकि वो कुछ टाइम तक खराब ना हो। अगर आप ऑफिस गोइंग है तो वो जो है आप अपने ऑफिस के फ्रिज में जाके रख दें ताकि वो सेफ रहे। अदरवाइज मार्केट में जो है पैकेट्स में अवेलेबल है, शॉप्स में अवेलेबल है। हम लोग जब छोटे थे तो पापा जो है हमें मार्केट लेके जाते थे और वहाँ नटराज की लस्सी आती थी, एक मुझे अभी भी याद है नमकीन लस्सी बहुत फेमस थी नटराज की। देख, और अगर मेरा ये वीडियो जो है कई ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने नटराज की लस्सी पी है, अब आप सोचेंगे कि कहाँ पे, तो रोपड़ पे अगर नटराज की लस्सी पी है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि वो बहुत टेस्टी थी और बहुत ज़्यादा फेमस, और मुझे शॉप का नाम जो है वो याद नहीं है। तो अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ ड्रिंक की। जी हाँ, फिफ्थ ड्रिंक। अब ये ड्रिंक के बारे में ना सब जानते होंगे क्योंकि हमने भी बचपन से सुना है इस ड्रिंक के बारे में। तो वो ड्रिंक यानी कि ऐसा सर्दियों में नहीं गर्मियों में पीने वाला कौन सा ड्रिंक है जो कि सबको पता है, वो है रू अफजा। जी हाँ, याद आ गया आपको। जी हाँ, रू अफजा एक ऐसा ड्रिंक है जो मुझे लगता है कि सभी को पता है इसके बारे में, सभी 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 को, सबने पिया है, सबको पता है। और ये बनता कैसे है इसमें, यानी कि इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि ये बनता है? तो ये बनता है रोज वाटर प्लस केड़वा से, केड़वा। तो हमने देखा कि रू अफजा जो है वो केड़वा प्लस रोज वाटर से जो है ये बना होता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये। ठीक है जी, इससे हार्ट बीट जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहती है और ये पीने में भी बहुत जो है ठंडा होता है और बॉडी में ठंडक पहुंचाता है, इसीलिए जो है ये मोस्टली गर्मियों में पिया जाता है। और आप देखेंगे कि ये अगर ठंडी ठंडी कुल्फी होती है ना, अगर आपने खाई होगी कुल्फी, घड़े वाली कुल्फी, तो उसमें भी ये थोड़ा सा मिक्स किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में ठंडक रहे और आपका जो है आपको गर्मी कम लगे और आप खुश रहें, गर्मियों में भी पसीना आता रहे तब भी आप खुश रहें। तो अब जो ये तो हो गए पांच ड्रिंक, वैसे पांच ड्रिंक की ही बात मैं कर रही थी अपनी इस वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसे ड्रिंक है जो कि हम बाहर से पी सकते हैं, अब वो बाहर अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि मैंगो शेक, बनाना शेक, पाइनएप्पल शेक, बहुत सारे ऐसे शेक जो है अवेलेबल है, बादाम शेक। तो जो हम गर्मियों में पी सकते हैं, बॉडी में जो है हमारे पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि गर्मियों में हमें जो है वो स्वेटिंग लेवल बढ़ जाता है, और जिनको स्वेटिंग लेवल बढ़ जाता है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पानी का इनटेक करें, क्योंकि आप अगर पानी कम होगा बॉडी में तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, कई और प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है, इसीलिए पानी का इनटेक जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिंपल ही पिए आप। मैंने सबसे पहले इसीलिए बात की थी सिंपल वाटर की, चाहे आप सिंपल पानी ही पिए लेकिन आप पानी पिए ज़रूर। ठीक है जी, और एक और ड्रिंक है जिसके बारे में मैं इसलिए स्पेशली बोलूंगी क्योंकि मेरे ब्रदर को जो है वो ड्रिंक और मेरे डैड को बहुत ज़्यादा पसंद था, और डैड हमेशा ये कहते थे कि वो जो ड्रिंक है वो बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है, इसलिए लोग जो है वो पीते हैं, वो है गूंद कतीरा। मैंने बहुत कम पिया है लेकिन ये मेरे ब्रदर और मेरे डैड को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो समर सीजन में पीते हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और
लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि चाहे आप सिंपल वाटर कैरी करें, लेकिन प्लीज अपने साथ समर सीजन में वाटर जरूर कैरी करें। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और आप जो है सेफ भी रहेंगे इन द समर सीजन कोई भी प्रॉब्लम आने से, क्योंकि वाटर की इनटेक बहुत जरूरी है समर सीजन में। चलिए जी, ये इन्फॉर्मेशन जो थी ये थी आपके लिए ही। और जो भी ड्रिंक से रिलेटेड, एनर्जेटिक ड्रिंक से हो गया या फिर रूह अफ़ज़ा से रिलेटेड हो गया, जो भी लिंक है अमेज़ॉन पे और जो लिंक मेरे पास है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है आप जाके चेक कर लीजिएगा और आपको वो आराम से मिल जाएंगे। बहुत सारे ड्रिंक है, आप अपने ड्रिंक्स जो है वो अपने पास रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। गर्मियों में जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी हेल्थ का और ज़्यादा ख्याल रखना। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किया आपने नहीं किया तो नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल बटन जो है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को कीजिए शेयर, लाइक, ताकि मैं ऐसी वीडियोस जो है हर बार हर रोज लाती रहूं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। लव यू ऑल, बाय। गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी पानी पीना चाहिए।